फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, डू डज डिड, ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? मतलब एक ही चीज हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है कि मेन वर्ब भी हो सकती है। तो इसके लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट है आई डू माई वर्क और सेकेंड है आई डू नॉट प्ले। अब आप बताइए मुझे, यहाँ पर डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है कि मेन वर्ब की तरह आया है? उसी प्रकार से डू नॉट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। नेक्स्ट है ही डज हिज वर्क, ही डज नॉट प्ले। मालूम है क्या आपको, डज यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? अगर यहाँ पर मेन वर्ब है तो क्या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है? अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है कि तो यहाँ पे मेन वर्ब है? डिड में भी वही कंफ्यूजन हो रहा है, राम डिड हिज वर्क एंड राम डिड नॉट प्ले। बड़ा कंफ्यूजन है, एक ही सेंटेंस में डू डज डिड है और यहाँ पर भी डू डज डिड है। सर आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर ये जो डू डज डिड है हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, या दोनों ही तरीके से काम कर रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन मैडम। अगर मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे डू यह मेन वर्ब है और यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब है, तो मैं तो ये बोलूंगी आप प्रूव करके बताइए। आपका क्वेश्चन क्या है? लेकिन क्वेश्चन मेरा ये, डू डज डिड ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? मैं तो बोलूंगा ये दोनों है, मेन वर्ब की तरह भी काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करेंगे। सर ऐसा तो नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि इससे पहले तो हमने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब तो पढ़े है ना। yes. मैंने आपको पढ़ाया था ना। yes. और दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, इनका स्पोकन इंग्लिश में और ग्रामर में क्या उपयोग है, क्या उपयोग हो सकता है इनका? सर उपयोग तो होगा, लेकिन पहले तो यही कंफ्यूजन है ना कि डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, तो ये कंफ्यूजन दूर कीजिए। उपयोग नहीं पता चलता है ना, तो आपको स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर कभी भी समझ में नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है डू डज डिड का रूल। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपको डू डज डिड का रूल नहीं आता है तो आप कितना भी स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर पढ़ो आप वहां पे परफेक्ट नहीं हो सकते हो। तो यहां पे मैं आपको एक ऐसा रूल पढ़ाने वाला हूं, अगर आप यह वीडियो अंत तक देखते हो तो आपको एक रूल पता चल जाएगा, और ऐसा रूल अभी तक यूट्यूब पे या फेसबुक पे कहां पे भी नहीं है। तो मैडम आपका जो क्वेश्चन है डू डज डिड या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है, ये तो मैं सब डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा, लेकिन मुझे आपको क्या पढ़ाना है, जो मैंने आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ाए थे, आप मुझे बताओ ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? सर एम इज आर, वाज वर, बी बीइंग, बीइंग, हैव एज, हैड, डू डज डिड, ये सभी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है ना मैडम, बी बीइंग, बीइंग का। यस, तो एम इज आर, वाज वर, हैव एज, हैड, डू डज डिड, लेकिन डू डज डिड क्या है? अगर मैं आपको पूछता हूं तो आपका आंसर क्या रहेगा? सर ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इट मींस ये हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं और मेन वर्ब्स भी हैं। हेल्पिंग वर्ब्स भी है या मेन वर्ब्स भी, इट मींस क्योंकि ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसलिए दोनों ही तरीके से काम करेंगे ना सर। लेकिन ये कर्ता के बाद आ सकते हैं ना। यस सर, आई डू, वी डू, ऐसा हम बोल सकते हैं। yes, yes. और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इनके बाद में नॉट भी ले सकता हूं। yes. लेकिन इनका उपयोग हम कौन से टेंस में करेंगे? सर डू और डस का यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, डिड का यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हाँ, और yes. सिंपल पास्ट टेंस में। तो टू डू के ये क्या है, फॉर्म्स है, लेकिन इनके भी 6 टाइप्स बन सकते हैं, ये हमने पढ़ा है। फ्रेंड्स इससे पहले हमने कई सारे क्वेश्चन अपलोड किए हैं और आपको ध्यान में रखना है ये मोर देन 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश के ग्रामर के कई सारे डाउट्स है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। लेकिन मैडम आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं आपको बोलता हूँ आई डू माई वर्क, आई डू नॉट प्ले, यहाँ पे डू या मेन वर्ब है, यहाँ पे या हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर मैं सिंपली आपको ऐसा बोलूंगा ना तो हमारे दर्शक सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक रूल पढ़ाने वाला हूँ, और वो रूल क्या है, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, ही प्ले, ये कौन सा टेंस है मैडम? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई के बाद प्ले है, इट मींस वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म, ही के बाद प्लेज है, इट मींस वर्ब को ऐसे सफिक्स, प्ले को ऐसे सफिक्स है, तृतीय पुरुष एकवचन कर्ता के आगे ही प्लेज बोलेंगे, शी प्लेज बोलेंगे, राम प्लेज बोलेंगे, श्याम प्लेज बोलेंगे। लेकिन अभी अभी मैडम आपने मुझे बताया था डू या मेन वर्ब की तरह भी काम करेगा और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करेगा। तो यहाँ पे प्ले क्या है मैडम? प्ले यहाँ पर मेन वर्ब है। मेन वर्ब है, इट मींस क्रिया का काम कर रहा है। yes. आपने अभी अभी बोला ना डू भी या मेन वर्ब की तरह भी काम करेगा। यस सर, अभी मैं यहाँ पे डू को रख सकता हूँ। यस सर, तो फॉर्मेशन कैसे बनेगा, आई डू, मैं करता हूँ, वी डू, हम करते, यू डू, तू करता है, दे डू, वे करते हैं। और यहाँ पे ही डू मैं बोल सकता हूँ? नो सर, डस बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना है? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बाद में हम वर्ब को ऐसे सफिक्स लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं डस करता। yes. तो डस इट मींस व्हाट? डू को ऐसे सफिक्स मतलब डस। तो यह क्या है? यस यस सफिक्स है। अभी देखो आई डू इसका मतलब मैं करता हूँ, अगर मैं मेन वर्ब की तरह कंसिडर कर रहा हूँ तो। प्ले का मतलब खेलता हूँ, यहाँ पे एक्शन आपको दिख रही है, यहाँ पे डू की भी एक्शन आपको दिख रही है, आई डू मैं करता हूँ, जैसे आई डू योर वर्क, मैं आपका काम करता हूँ। ही डू मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, ही डस मैं ऐसा बोलूंगा। लेकिन अगर मुझे इसका नकारात्मक टेंस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। यह रूल सिंपल है, लेकिन आगे मैं एडिशन और सब्स्ट्रैक्शन भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैडम मुझे आई प्ले में नॉट डालना है, इट मींस नॉट की एडिशन करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? वेरी इजी सर, आई डू नॉट प्ले ऐसा हो जाएगा। क्यों, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया आई नॉट प्ले? सर ऐसा नहीं करना, क्योंकि नॉट की एडिशन के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड पड़ती है। तो आई प्ले इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब कौन से एम इज आर, वाज, वर, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैड टू, व्हाट टू, नीड, यूज्ड टू, डेयर टू,
क्या आई प्ले में मुझे इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है? बिल्कुल सर, यहाँ पर हमें डू मिल रहा है। आई प्ले इस वाक्य में क्या हेल्पिंग वर्ब है? नो सर, नो हेल्पिंग वर्ब। आपको दिख रहा है? नो। लेकिन अगर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है तो आपको डू डज डिड को कंसिडर करना है। क्यों कंसिडर करना है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए हमें डू डज डिड का सहारा लेना पड़ता है। कंडीशन करनी है, यस, वर्बल क्वेश्चन बनाने हैं। तो आई प्ले में प्ले या हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पे डू डज डिड को कंसिडर करना है। इट मीन्स इससे मैडम आपको क्या पता चला, अगर किसी वाक्य में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है और वहां पे मेन वर्ब आता है तो मेन वर्ब के पास आपको जाना पड़ेगा और वहां से आपको डू डज डिड कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन डू डज डिड आप कैसे कंसीडर करोगे मैडम? सर ये कैसे, मतलब मैं अपने उससे बताती हूँ कि यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो डू करेंगे, वर्ब को ऐसे सफिक्स होगा तो डज करेंगे, और वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो डिड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने बोला था आई डू, वी डू, दे डू, ही डज, शी डज, राम डज, श्याम डज, यहाँ पे तो ये मेन वर्ब की तरह काम करे। लेकिन अगर मुझे प्ले में नॉट की एडिशन करनी है, इट मींस मुझे नकारात्मक टेंस करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्ले में मैं डू कंसिडर करूंगा। किसके लिए? नॉट की एडिशन करने के लिए। और प्लेज में से मैं डज को कंसिडर करूंगा। किसके लिए? नॉट की एडिशन करने के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऐसा बनेगा, आई डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले या प्लेज? प्ले। प्ले ही क्यों आया है? क्योंकि वर्ब को ऐसे सफिक्स डज में आ चुका है। तो डज ऑलरेडी यस यस सफिक्स है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ आई डू, तो यह डू क्या है? सर डू यहाँ पर मेन वर्ब है। वेरी गुड। और यहाँ पे डू नॉट के आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यस। और यह भी मेन वर्ब हो सकता है? नो सर, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर यह हेल्पिंग वर्ब होगा, क्योंकि आपने बोला नॉट की एडिशन के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे यह क्या है? मेन वर्ब है। और डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था, डू मेन वर्ब की तरह भी काम करेंगे और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करेंगे। नेक्स्ट रूल कौन सा है मैडम, आप देख सकते हो। डू आपको प्रेजेंट टेंस कंसीडर करना है, डज यस यस सफिक्स कंसीडर करना है, एंड डिड पास्ट टेंस कंसीडर करना है। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे सी और डू बोलता हूँ, तो सी क्या है मैडम यहाँ पे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर सी में मैं डू की एडिशन करता हूँ, तो मैडम यहाँ पे डू क्या है? सर डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है और प्रेजेंट टेंस भी है। लेकिन अगर मेन वर्ब के आगे डू आता है तो यहाँ पे डू का रोल क्या रहेगा? सर यहाँ पे डू का रोल सर हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा। लेकिन यहाँ पे आपको कंसीडर करना है प्रेजेंट टेंस है। यस। कभी भी अगर मेन वर्ब के आगे अगर डू डज डिड आते हैं तो उनको हमें मेन वर्ब में ऐड करना पड़ता है। ये रूल आपको ध्यान में रखना। सी में मैं डू की एडिशन करता हूँ तो क्या होगा? सी। क्यों होगा? क्योंकि आपने बताया था ना सर, प्रेजेंट टेंस में अगर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ऐड करते हैं तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही मिलता है। आपको प्रेजेंट टेंस कंसीडर करना है। डज इट मींस यस यस सफिक्स ऐसा कंसीडर करना है। तो सी में आपने डज की एडिशन की तो क्या होगा? सी होगा। इट मींस यस यस सफिक्स लगेगा। सी में आपने डिड की एडिशन की तो क्या होगा? सो। सो होगा। इसी प्रकार आपको एक काम करना है, ड्रिंक में डू की एडिशन करनी है तो क्या होगा? सर ड्रिंक होगा यहाँ पर। क्यों होगा? क्योंकि आपने अभी बताया था ना कि सर प्रेजेंट टेंस में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे तो हमें पर फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगा। आपको प्रेजेंट टेंस कंसीडर करना है, बस इतने ध्यान में रखना है। ओके। डज को आपको क्या कंसीडर करना है? वर्ब को ऐसे सफिक्स। बस। और डिड को आपको क्या कंसीडर करना है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। फ्रेंड्स, यह वीडियो आगे भी जारी है, प्लीज वॉच टिल द एंड। लेकिन आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है, अगर आप हमारा 60-90 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स विद 200 रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हमारे यू कैन स्पीक इट एन ऐप से बहुत ही कम कीमत में बाय करते हो तो आपको हमारी 4 किताबें आपके पते पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और हमारे बुक्स हैं द बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बुक, ए टू जेड ग्रामर बुक, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश बुक, एंड द बेस्ट बुक फॉर स्पेलिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। तो यह ऑफर कुछ ही दिनों तक सीमित है, आप उसका लाभ ले सकते हो। तो तुरंत आप हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करें। अगर मेन वर्ब में डज जाएगा तो क्या होगा? ड्रिंक्स होगा सर यहाँ पर। वेरी गुड। और मेन वर्ब में अगर डिड जाता है तो क्या होगा? ड्रैंक। ड्रैंक होगा। वेरी सिंपल। इसी प्रकार प्ले में अगर मैं डू की एडिशन करता हूँ तो प्ले। प्ले में डज की एडिशन करूंगा प्लेज। प्ले में डिड की एडिशन करूंगा प्लेड। अभी देखो यहाँ पे डू प्लस डू, ये क्या बात है? यहाँ पे डू 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 क्या है सर? ये क्या किया है सर आपने? डू प्लस डू इक्वल टू डू। डू 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 मैंने लिखा है, एक प्रकार यह डू मेन वर्ब है और यह हेल्पिंग वर्ब है। जैसे प्ले मेन वर्ब है, इसी प्रकार डू भी मेन वर्ब है ना? यस। तो मेन वर्ब में मैं डू की एडिशन कर सकता हूँ ना? यस सर। यहाँ पे देखो ये डू क्या है सर? डू ये मेन वर्ब है और ये डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। जैसे प्ले की एडिशन हमने की है इसी प्रकार, तो डू में डू जाता है तो क्या होगा? डू ही होगा सर। डू का स्क्वायर होगा? नो सर। तो यह डू मेन वर्ब है, इसमें हम डू की एडिशन करेंगे, इट मींस प्रेजेंट टेंस की एडिशन करेंगे, तो डू प्लस डू इज इक्वल टू डू। डू प्लस डज, यह डू क्या है? मेन वर्ब। उसमें हमने डज की एडिशन की, इट मींस हेल्पिंग वर्ब की एडिशन की, yes, है प्रेजेंट की एडिशन की, तो क्या होगा? डज। और यहाँ पे डू क्या है? मेन वर्ब। डिड क्या है?
सर सिंपल पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में पास्ट टेंस जाएगा तो क्या होगा, पास्ट टेंस ही रहेगा। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में पास्ट टेंस गया, क्या हुआ, पास्ट टेंस हुआ। यहाँ पे डू क्या है, डू मेन वर्ब है। यहाँ पे डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे डू क्या है, मेन वर्ब। डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे डू क्या है, मैं हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे डू क्या है, मेन वर्ब। वेरी सिंपल। अभी देखो यहाँ पे अगर सी में से मैं डू को निकालता हूँ, इट मीन सब्सट्रैक्ट करता हूँ, प्रेजेंट टेंस में से मैं प्रेजेंट टेंस को सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे एज इट इज प्रेजेंट टेंस रहेगा। ओके। लेकिन अगर सीज में से मैं डस को सब्सट्रैक्ट करता हूँ, उसे निकालता हूँ, इट मीन्स मैं ये से सफिक्स निकालता हूँ, तो क्या रहेगा, सी। वेरी गुड। सौ में से मैं डिड को सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो क्या रहेगा, सी। क्यों रहेगा सर, क्यों रहेगा, यही तो क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा था इसलिए मैंने एज इट इज बोल दिया। yes, अगर आपको नहीं समझे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ड्रिंक माइनस डू, तो ड्रिंक में से मैडम क्या निकलेगा, डू। डू ही निकलेगा ना, प्रेजेंट टेंस में से प्रेजेंट टेंस ही निकलेगा ना, तो आगे क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस ही आएगा। ओके। लेकिन किसी वर्ब को ये से सफिक्स है, उसमें से यदि आप डस को सब्सट्रैक्ट करते हो, उससे निकालते हो, इट मीन्स आपको ये से सफिक्स तो निकालना पड़ेगा ना। yes. तो डस इट मीन्स ये से सफिक्स ना, ड्रैंक में से मैडम क्या डू निकलेगा, नो सर, डिड निकलेगा, अभी आपने बोला। क्यों निकलेगा, क्योंकि पास्ट टेंस में से पास्ट टेंस ही निकलेगा ना सर, यहाँ से डस भी नहीं निकलेगा और डू भी नहीं निकलेगा। नो। तो ड्रैंक में से अगर मैं डिड को निकालता हूँ तो ड्रिंक ही बचेगा ना। ओके। इट मीन्स किसी भी वर्ब से अगर डू डस डिड हम सब्सट्रैक्ट करते तो आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। यस। सिंपल रूल है। यस। ये काम आपको करना है। ओके। प्ले में से मुझे डू को हटाना है, क्या होगा, प्ले। इट मीन्स सब्सट्रैक्ट करना है तो प्ले रहेगा। प्ले में से डस को हटाना है, प्ले। प्ले रहेगा। प्लेड में से डिड को हटाना है, प्ले। मतलब पास्ट टेंस को हमें निकालना है तो आगे फर्स्ट फॉर्म रहेगा। अभी आपको ये सॉल्व करना है, डू में से क्या सब्सट्रैक्ट होगा, डू में से डू सब्सट्रैक्ट होगा सर। क्यों होगा, क्योंकि डू सर यहाँ पर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है, तो उसमें से प्रेजेंट टेंस ही सब्सट्रैक्ट होगा ना। अभी यहाँ पे ये डू डज डिड क्या है, मेन वर्ब है। yes. जैसे प्ले, प्लेस, प्लेड, तो डू यहाँ पे मेन वर्ब है प्ले की तरह, तो प्ले में से क्या जाएगा, डू जाएगा। तो डू में से क्या निकलेगा, डू निकलेगा। तो डू में से डू निकलेगा, आगे जीरो बचेगा, नो सर, डू बचेगा ना। कैसे बचेगा, आपने अभी बताया था ना, जैसे प्ले में से डू गया तो प्ले बचता है। बहुत सारे लोगों को मैडम ये समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, हम जो चीज आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये आपको ध्यान से देखनी है। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो इससे पहले हमने कई सारे क्वेश्चन अपलोड किए, हमारे पास एक ग्रामर का भी बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आपको ये रूल समझ में आता है ना, तो मान लो आपको 40-50% ग्रामर के रूल्स आपको यहाँ से ही पता चलेंगे। लेकिन कई सारे लोगों को यह रूल ही पता नहीं है, डू डज डिड का रूल क्या है। जब हम यूट्यूब पे यह क्लिप अपलोड करेंगे ना, तो सारे लोग इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाएंगे। लेकिन हमने हमारे ग्रामर के कोर्स में ऐसे कई सारे एक्सरसाइज दिए हैं, हमें पता है ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि आपने ये रूल कहां पे देखा नहीं है। लेकिन आपको आगे स्टेप बाय स्टेप भी और भी देखना है। मैडम यहां पे देखो, यहां पे डू क्या है, यहां पे डू है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में से हम डू को कंसीडर करेंगे, इट मींस सब्सट्रैक्ट करेंगे। डस यस यस सफिक्स है, यहां पे मेन वर्ब को यस यस है। ये डस किस तरह काम कर रहा है, प्लेस जैसा काम कर रहा है। तो प्लेस में से मैं क्या सब्सट्रैक्ट करूंगा, डस। डस डज में से डज जाएगा और डिड में से मैं डिड ही सब्सट्रैक्ट करूंगा। तो यहाँ पे प्लेड जैसा क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो डिड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। और उसमें से अगर मुझे वर्ब सब्सट्रैक्ट करना है, तो डू डज डिड में से मैं कौन सा वर्ब सब्सट्रैक्ट करूंगा, डिड ही सर, डिड ही सब्सट्रैक्ट करूंगा। तो यहाँ पे डज में से अगर मैं डज को हटा देता हूँ तो क्या बचेगा, आगे डू बचेगा, क्योंकि मैंने ये से सफिक्स निकाल दिया ना। डिड में से मैंने डिड को सब्सट्रैक्ट किया, प्लेड में से मैंने पास्ट टेंस को सब्सट्रैक्ट किया था, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बचा था ना। यस। तो डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू है। तो डू में से डू निकलता है, डज में से डज जाता है, तो डिड में से डिड जाता है, तो क्या होगा, डू ही होगा। नहीं भी समझ में आता है तो फिर से देखो, प्ले प्लस डू इज इक्वल टू प्ले, प्ले प्लस डज प्लेस, प्ले प्लस डिड प्लेड, प्ले माइनस डू प्ले। नहीं तो ऐसा नहीं होगा ना, प्ले का जो वाई निकल जाएगा। नो नो सर, ऐसा नहीं, मैथ्स के स्टूडेंट्स ऐसा सोचेंगे, बट ये मैथ्स नहीं है। ओके, ये ग्रामर है। प्ले में से डू मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो आगे प्ले बचेगा। इससे आपको क्या पता चलता है, देखो अगर किसी वर्ब में हम डू डज डिड की एडिशन करते हैं ना, तो डू प्रेजेंट टेंस है, डज यस यस सफिक्स है, डिड पास्ट टेंस है, तो ऐसा फॉर्मेशन बनेगा। लेकिन अगर किसी वर्ब में से हम डू को सब्सट्रैक्ट करेंगे, अभी देखो यहाँ पे क्या गलत लिखा है मैंने, क्या मुझे बता सकते हो सर? यहाँ पे तो सब कुछ सही लिखा है सर। प्ले में से मैं डू को कंसिडर कर सकता हूँ, सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में से डस को सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? नो, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या चाहिए, प्लेज, प्लेज चाहिए, तभी डस निकलेगा ना। यस। यहाँ पे प्ले है, क्या उसमें से मैं डिड को सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? नो सर, प्लेड। यहाँ पे प्लेड ही चाहिए, तभी हम डिड कंसिडर कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आगे फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो मैंने यह गलत लिखा था। यहाँ पे देख, डू प्लस डू इज इक्वल टू डू। क्यों सर? मेन वर्ब में से यदि हम डू को ऐड करते हैं तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही मिलता है। यहाँ पे डू क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है। यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे डू क्या है, मेन वर्ब। यहाँ पे डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब।
तो डू में डज जाता है, मतलब मेन वर्ब में डज जाता है, यस एस सफिक्स जाता है, तो डू को यस एस सफिक्स में डज लगता है। डू में मैं डिड के एडिशन कर दो, ये क्या है मेन वर्ब, उसमें मैं पास्ट टेंस के एडिशन कर दो, तो आगे क्या बचेगा डिड। तो अभी मुझे बताओ यह डिड क्या है और ये डिड क्या है। सर ये डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और ये डिड यहाँ पर मेन वर्ब है, जैसे प्लेड जैसा। यस डू में से डू को मैंने सब्स्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा डू, डू में से मैंने डस को सब्स्ट्रैक्ट किया, क्या ये कंस्ट्रक्शन सही है? नो सर ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर डू में से डस नहीं होगा सर, डस में से डस होगा सर सब्स्ट्रैक्ट। डस में से, क्योंकि अगर प्लेज है यहाँ पे तो प्लेज में से मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ डस, तो यहाँ पे डस ही चाहिए तभी डस को हम सब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे डू में से क्या मैं डिड को सब्स्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? नो सर डिड में से डिड करेंगे सब्स्ट्रैक्ट, पास्ट टेंस होगा प्लेड जैसा, तो ही मैं सब्स्ट्रैक्ट कर सकता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या चाहिए डिड, डिड चाहिए, तो डिड में से डिड जाता है, तो आगे क्या बचेगा डू, डू ये इंपॉर्टेंट रूल है। तो आपका क्वेश्चन क्या था, अगर मैं बोलता हूँ आई डू तो यहाँ पे डू क्या है मेन वर्ब, आई डू मैं करता हूँ, हम करते हैं वी डू, तू करती यू डू, वो लड़का करता है he does, यहाँ पे do verb का first form है, यहाँ पे does क्या है verb का second form है। अभी मुझे not के addition sir, verb का second form नहीं, verb को ऐसे suffix है। yes, अभी मुझे not के addition करनी है sir, it's very easy, he does not do ऐसा होगा sir। okay, तो यहाँ पे do क्या करेगा मैडम, do का role क्या होगा not के addition करने के लिए? तो do ये बोलेगा कि आप मुझ में से helping verb को consider करो, it means इस do में से हमें do फिर से consider करना होगा, construction ऐसा बनेगा I do not do, do में से मैं क्या subtract कर सकता हूँ do, do. तो डू में से मैंने डू को निकाला, क्यों नॉट के एडिशन करने के लिए। और डज में से मैं क्या सब्स्ट्रैक्ट कर सकता हूँ डज, डज में से मैं डज सब्स्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। और जब मैं डू में से डू को सब्स्ट्रैक्ट करूंगा, डज में से मैं डज को सब्स्ट्रैक्ट करूंगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पे डू क्या है मेन वर्ब, और यहाँ पे डू क्या है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे ये डू क्या है मेन वर्ब, जैसे आई प्ले ओके ही प्लेज ऐसा बोल सकते ही प्लेज, एंड आई डू नॉट प्ले वी डू नॉट प्ले ही डज नॉट प्ले, तो यहाँ पे प्ले क्या है प्ले यहाँ पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, प्लेज क्या है मेन वर्ब, यस यस सफिक्स है, और यहाँ पे प्ले क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब है, तो यहाँ पे देखो यह डू क्या है मेन वर्ब है, यह डज क्या है मेन वर्ब है, यह डू क्या है हेल्पिंग वर्ब, यह डज क्या है हेल्पिंग वर्ब, यह डू क्या है मेन वर्ब। हमारे दर्शक सब कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक है होने दो। तो अभी मैडम मुझे बताओ यहाँ पे आई डू माई वर्क क्या इसके आगे नॉट है? नो सर नहीं है, तो आई डू माई वर्क मैं मेरा काम करता हूँ, तो यहाँ पे डू क्या है मेन वर्ब, ही डज हिज वर्क आगे नॉट है no. नहीं है, तो इसलिए आपको ऐसा कंसीडर करना है। अगर डू डज जुड़ के आगे नॉट नहीं है तो मेन वर्क की तरह कंसीडर करो, अगर उनके आगे नॉट है तो हेल्पिंग वर्क की तरह वो कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे डज नॉट है तो यह हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे डज क्या है मेन वर्ब है, यहाँ पे डिड नॉट है इसलिए यह हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है दोस्तों, यह डू डज डिड का रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आगे भी हम ऐसे कई सारे डाउट क्लैरिफिकेशन करने वाले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे प्लेड बोलना है आई प्लेड, तो इसका नकारात्मक फॉर्म में कैसे बना सकता हूँ मैडम डिड नॉट प्ले, प्लेड में से मैं क्या सब्स्ट्रैक्ट करूंगा डिड, और उसके आगे नॉट, आई डिड नॉट प्ले, प्ले का फर्स्ट फॉर्म क्यों रखूंगा क्योंकि इसमें से हमने डिड कंसीडर किया है ना, तो प्लेड में से मैंने डिड को सब्स्ट्रैक्ट किया है तो आगे प्ले ही बचेगा। लेकिन आपको ऐसा कंसीडर करना है जैसा प्लेड है इसी प्रकार मैं डिड को कंसीडर करता हूँ, डिड क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, आई डिड मैंने किया, वी डिड हमने किया, तूने किया यू डिड, राम ने किया राम डिड, श्याम ने किया श्याम डिड, मुझे इसमें नॉट के एडिशन करनी, इट मींस नकारात्मक सेंटेंस बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ क्या मुझे बता सकते हो? यस सर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डिड में से डिड को सब्ट्रैक्ट करेंगे सर हम, तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है जैसे प्लेड था तब हमने डिड कंसिडर किया था, तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो इसमें से नॉट के एडिशन करने के लिए मैं डिड को कंसिडर करूंगा, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा नॉट, और डिड में से जब मैं डिड को निकालता हूँ तो do. आगे क्या रहता है डू, आई डिडंट डू या आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया, हमने नहीं किया वी डिडंट डू, तूने नहीं किया यू डिडंट डू, राम ने नहीं किया राम डिडंट डू, श्याम ने नहीं किया श्याम डिडंट डू। तो अभी आपको पता चला ये डिड क्या है मेन वर्ब, और ये डिड क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये डू क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो आप हमारे ग्रामर के कोर्सेज के जो वीडियोस है वो सीक्वेंस वाइज देखो, मोर देन 200 वीडियोस है और बहुत ही अलग अलग टेक्निक्स हमारे पास है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, ऐसे मोर देन 1000 क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट है आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। लेकिन अगर आपका कंफ्यूजन होता है तो इसका मतलब आपका बेस बहुत ही पुअर है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको हमारा 60-90 का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है अलॉन्ग विथ 4 बुक्स, बहुत ही कम कीमत में आप रिकॉर्डेड कोर्स 4 किताबों के साथ पढ़ सकते हो। ये सब नोट्स है स्पोकन इंग्लिश ग्रामर के जो बुक्स है, स्ट्रक्चर की बुक है, वो आप पढ़ सकते हो और आपका बेस परफेक्ट
कर सकते हो। स्पोकन इंग्लिश के टेक्निक हमारे अलग है, ग्रामर के टेक्निक हमारे अलग है, लेकिन किसी भी एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं ना, तो आप हमारा ए टू जेड ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स भी देख सकते हो। आपको कई सारे ऐसे टेक्निक्स मिलेंगे, इंटरेक्टिव टीचिंग मिलेगी, डाउट क्लेरिफिकेशन एक्सरसाइज है, लेकिन आप हमारा यू कैन स्पीक किट ऐप इंस्टॉल करके पहले डेमो वीडियोस देखो। मोर देन 200 वीडियोस हमारे हर एक कोर्स में सीक्वेंस वाइज है, तो सीक्वेंस वाइज कोर्स को ही दोस्तों रिजल्ट है। और इन फ्यूचर यदि आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ना चाहते हो ना, तो पहले आप हमारा यू कैन स्पीक किट ऐप इंस्टॉल करो। जब भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगे हम आपको नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आगे के क्वेश्चन के लिए भी आपको तैयार रहना है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है।